लगा कि मैं शहर से हमारा देश की इकोनॉमी जुड़ी रहती है, हमारे देश की ग्रोथ पता चलती है, देश कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चला रही है देश को। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश को पूरे विश्व में देखा जाता है, और उस जगह पर हम लोग आकर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के पूरे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एनएससी में, और अपनी फिल्म लव यू लोकतंत्र के लिए आज शुरुआत की घंटी हमने बजाई है। तो आज का दिन भी महादेव ने अच्छा रखा, हमने घंटी भी बजाई, और आप देख रहे हैं कि बाजार भी आज ऊपर जा रहा है, और हम लोग देश कहीं इकोनॉमिकली लॉस में नहीं दिख रहा। तो इससे एक एक शुभ संकेत है ये फिल्म का भी। ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी सटायर है, इसको एंटरटेनमेंट की नज़रिए से देखिएगा और सरप्राइज करेगी फिल्म। छोटी है लेकिन गुदगुदाने वाली फिल्म है, मतलब बड़ी स्टार कास्ट नहीं, हम लोग सारे बहुत आप लोग जान रहे हैं, हम लोग वी आर ऑल नॉर्मल एक्टर्स, बट एक फिल्म की कहानी आपको छुएगी, आपके पैसे वसूल होंगे। कृपया आप लोग जाइएगा इस फिल्म को देखिएगा थिएटर में, पारिवारिक एंटरटेनमेंट का सब लोगों को इंतज़ार हमेशा रहता था। मुझसे मेरे सारे फैंस बोलते थे एक फैमिली फिल्म चाहिए, वी नीड अ फैमिली क्लीन फिल्म। तो एक फैमिली फिल्म विद लवली डायलॉग, लवली परफॉर्मेंसेस, सरप्राइजिंग एक्टर्स इनसाइड। सो अमित जी विल सरप्राइज यू, एंड आई वांट, अमित जी इज़ माय वेरी डियर फ्रेंड, एंड इनका फॉर्म है, लॉ फॉर्म भी है, एंड ही इज़ डूइंग द फिल्म ऑल्सो। तो हम लोग सब साथ में एक बहुत सुंदर सा तोहफा आप लोगों को, त्यौहार पर दिवाली भी आ रही है, तो एक छोटा सा एक प्यारा एंटरटेनमेंट का गिफ्ट लेके आ रहे हैं। कृपया पारिवारिक परिवार के साथ आइएगा, इसको देखिएगा। जहाँ जितने मेरे फैंस हैं, जिन लोगों ने बहुत समय से मुझे स्क्रीन पे 2 साल से या 1 साल से नहीं देखा था, जो चाहते थे मैं कुछ सिनेमा करूँ जल्दी किया, तो मैं सांसद के रूप में नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने ये फिल्म के लिए किया। तो आप लोग जाइएगा, डेफिनेटली आप लोग निराश नहीं हैं। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, आज बेल रिंग किया गया है, फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिल्म का बेल रिंगिंग सेरेमनी हुआ है एनएससी में, और आपकी फिल्म आज शुरू हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? रवि जी ने तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया। रवि जी ने तो सब कुछ कह दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत शुभ संकेत है, मुहूर्त है, और मुहूर्त के दिन पे आपने देखा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके सब पॉइंट ऊपर चले गए, इट्स ऑल ग्रीन एंड ग्रीन। तो इस मुहूर्त में मैं सोचता हूँ कि भाई पब्लिक जो है इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। छोटी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर, और मेरे साथ मेरे जो मेन हीरो है हमारे रवि किशन जी है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित जी, जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया है, ईशा कोपर को कोपिकर जी, जिन्होंने गुलाब निधि का रोल किया गया है, और स्नेहा उलाल जी, जिसने मेरे एक को वकील का रोल किया गया है, एंड इज रियली अमेजिंग मूवी, एंड ऑफकोर्स बहुत अच्छा एंटरटेनर जो रोल है वो है अली असगर जी का, जिन्होंने एक स्टिंग जर्नलिस्ट का रोल किया गया है, जिनके कारण पूरा सभी वकीलों को और जजेस को उन्होंने एक्सपोज किया है। उस तरह का उनका रोल है, कैमरा पैन करके दिखाइए पर जाएं आप, और थैंक यू वापस। गुलाबी जी क्या कहना चाहेंगे, आज ग्रीन में है? गुलाबी नहीं हूँ मैं, गुलाब 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 दीदी, हालांकि गुलाब गुलाबी होता है, गुलाब नाम गुलाब दीदी है। ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही मजा आया फिल्म शूट करते हुए, बहुत अच्छी अच्छा सब्जेक्ट है, आज की राजनीति के पे आधारित है, और सारे जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने 4 चांद लगा दिए, खुद के जो किरदार है इतने खूबी से निभाया है कि मुझे तो मज़ा आ गया, आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आएगा। स्नेहा जी आप अपने किरदार के बारे में बताएं। सो आई एम अ लॉयर इन दिस फिल्म एंड इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, एंड while shooting for this film I would speak a lot of law with the real time lawyer Amit, so it was really fun, and law by itself is very interesting to me, I've always liked to learn about cases and everything, so it's been a very good experience for me। Lalit ji aap pe कैमरा पहुंच रहा है, बताइए, संगीत तो बहुत कमाल का बनाया है इस फिल्म में, सपना चौधरी का गाना हिट है, रोमांटिक सॉन्ग लंदन में शूट हुआ है वो भी बहुत कमाल का, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए म्यूजिक तो इस फिल्म का बहुत अच्छा है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस समय बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और ये जो हमारी फिल्म है लव यू लोकतंत्र, इसका सब्जेक्ट ही जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप लोग देखेंगे तो बहुत उसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके म्यूजिक से भी आइडेंटिफाई करेंगे, और मुझे लगता है कि जितने कलाकार इस फिल्म में जिन्होंने काम किया है उन्होंने बहुत अच्छे अपने बहुत खूबी से अपने रोल को निभाया है, बहुत अच्छा काम किया है, और पूरी एक जेलिंग सब कहीं ऐसी हुई है कि एक परफेक्ट चीज़ बनी है, और मैं ज़रूर चाहूँगा आप सब ज़रूर इसको देखें, इसका म्यूज़िक सुनिए, अमित जी का परफॉर्मेंस देखिए, और बाकी कलाकारों का अच्छा परफॉर्मेंस देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी सटायर बनेगी।
अली जी, अली आप क्या कहना चाहेंगे? आपने स्टिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, कैमरा का काम हमारा है लेकिन आपने वो काम कर दिया आज। जी हाँ, मैं बस जो काम आप लोग करते हैं वही काम मैंने किया है इसमें, और मैं समझ सकता हूँ कितने मज़े लेते हैं आप लोग। और नहीं बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड वेरी एक्साइटेड हूँ। एक होता ना कि जैसे बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, वही हाल हम सबका है। हम सब ने अपना बेस्ट किया है, अब वेट कर रहे हैं कि ऑडियंस कितना इस फिल्म को चाहती है। एंड आई एम श्योर बहुत ही फ्रेश सब्जेक्ट है, और जो हालात है आज जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, तो ये बहुत ही आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे जल्दी करें, ये ऐसा हो रहा है। एंड ऑल सारे दिग्गज कलाकार हैं एंड बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, सो फिंगर्स क्रॉस। पंकज जी, आप यूएफओ ने इस फिल्म को रिलीज़ किया है ऑल ओवर, तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म आज लग गई है और आज एनएससी में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बेल रिंग के लिए हम लोग आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, यूएफओ के हिसाब से हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि ये मूवी जो है सबसे ज़्यादा सिनेमाज में ऑल इंडिया लग सके। एंड यूएफओ का काम वही है कि ऑडियंस खुश, थिएटर खुश, तो हम खुश हैं जी। थैंक यू, थैंक यू।